वाराणसी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खास खबरों का सिलसिला। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी गठबंधन को बहुमत मिला है। वहीं आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा जिसमें हेमंत सोरेन भी शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दी गई दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई तय की है। बता दें कि दिल्ली की अदालत ने ईडी मामले में मंजूरी प्रति पर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय कर दी है। ईडी ने आप नेताओं पर छूट, लाइसेंस, शुल्क माफी और कोविड-19 व्यवधानों के दौरान राहत सहित अधिमान्य उपचार के बदले शराब व्यवसायों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान अमित शाह मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी पहुंचेंगे। बताया जा रहा है इस दौरान अमित शाह LBS अकादमी में निरीक्षण करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई आज तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 4 सप्ताह में जमानत अर्जी तय करने का निर्देश दिया था। अंसारी को अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन गैंगस्टर एक्ट में अभी भी जेल में है। मैं इसी पर सुनवाई आज होगी। गाजियाबाद से शुरू हुई वकीलों की लड़ाई वेस्ट यूपी समेत तमाम जिलों में लगातार जारी है। वहीं बरेली में भी वकीलों ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी हड़ताल जारी रहेगी, जिसके चलते आज वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में भिंड में आज सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नगर परिषद मऊ द्वारा आज नगर की शासकीय मिडिल स्कूल परिसर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ जिले के 3 ब्लॉक में आयुष्मान कार्ड कैंप महाअभियान का आयोजन आज होगा। इस दौरान टीबी, कुष्ठ और अन्य रोग के मरीज खोजे जाएंगे। वहीं इस अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। ऐसे अभ्यर्थी जो काफी समय से नौकरी खोज रहे हैं उनके लिए आगरा से खुशखबरी सामने आई। आगरा क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय साई के तकिया और SS एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जगनेर रोड गामरी मलपुरा आगरा के संयुक्त प्रयास से आज एक दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लगाया जाएगा जिसमें 12 से अधिक कंपनियां लगभग 900 पदों पर अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेंगी। सकौती टांडा रेलवे स्टेशन के यार्ड में काम के कारण आज भी ब्लॉक रहने पर 10 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। 4 ट्रेन रद्द रहेंगी और 3 को वाया शामली को निकाला जाएगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांश शेखर उपाध्याय के अनुसार सकौती स्टेशन के यार्ड में आज अलग अलग समय पर ब्लॉक लेकर काम किया जाएगा। बिहार के कटोरिया के RMK में आज नियोजन मेले का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बिहार के बांका जिला नियोजन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक दिवसीय नियोजन मेले का आयोजन आज RMK स्कूल ग्राउंड के परिसर में आयोजित किया जाएगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1922 में आज के दिन बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद का जन्म हुआ था। साल 1939 में आज के दिन बास्केटबॉल के जनक जेम्स नेस्मिथ का निधन हुआ था। साल 1994 में आज के दिन प्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता निर्देशक भालजी पेंढारकर का निधन हुआ था। साल 1997 में आज के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इस्तीफा दिया था। साल 2001 में आज के दिन नेपाल ने माओवादियों से निपटने हेतु भारत से 2 हेलीकॉप्टर मांगे थे। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।